उत्तराखंड में मौसम में लगातार ठंडक बढ़ती जा रही है। जहां पर्वतीय क्षेत्रों में पाले से दुश्वारियां हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे ने मुसीबतें बढ़ा दी है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 2 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है और मैदानी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के मैदानी जिलों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जिससे कि 21 और 22 जनवरी के बाद ही कुछ कमी आने की संभावना है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तराखंड के लिए आप मौसम की बात कर रहे हैं, आज 19 तारीख आपकी जनवरी की हो गई है। जहाँ तक बारिश या बर्फबारी की बात है तो वो मिली नहीं हमको कोई खास। जो है छुटपुट एक्टिविटी 17 तारीख को मिली थी हायर रीचेज में, जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तराखंड के हैं, और कोई सिग्निफिकेंट नहीं था वो जो है। इसी तरह पहले 9 तारीख को भी एक दो डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही हल्की जो वर्षा वो मिली थी, तो कोई एक्टिविटी कुछ है नहीं। और अगर देखें आज की डेट तक जो जो सीजन का है, जनवरी फरवरी का जो अभी तक का जो विंटर सीजन 2 मंथ का रहता है, तो अभी तक ये करीब 19 डेज हो गए हैं, तो इसमें तो -99% अभी जो है डेफिशिएंसी है। बाकी जहाँ तक तापमान की अगर बात करें तो इस समय अगर मैं बात करूँ तो पहाड़ों में जो तापमान है अधिकतम तापमान थोड़े जो है सामान्य से कम है, 2 डिग्री तक के आसपास या 3 तक के, लेकिन न्यूनतम तापमान है वो करीब करीब सामान्य के आसपास ही है।